हेलो लवली फैम, कैसे हो आप सब लोग। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नेल्स को कैसे जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गर्ल का ये ड्रीम होती है, उनकी डिज़ायर होती है कि उनके नेल्स भी ब्यूटीफुल लगें और जल्दी जल्दी से ग्रो हो जाएं, ताकि उन्हें नेल पेंट लगाने में उनके नेल्स की और उनके हाथों की खूबसूरती नज़र आए। पर कई लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके नेल्स जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, और इनकी ग्रो भी करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइट कम होते हैं या फिर उनके अंदर उतनी वाइटनिंग नहीं होती है। जैसे कि अभी आप मेरे नेल्स को देख पा रहे होंगे कि मेरे नेल्स ऊपर देख रहे हैं कितने पिंक पिंक टाइप के लग रहे हैं। तो जो पिंकिश नेल्स होते हैं और ऊपर से जब बढ़ जाते हैं वाइट लगते हैं, तभी आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप देख रहे हो अभी मेरे नेल्स कितने छोटे हैं। तो आज मैं आपको नेल की केयर और उनको कैसे जल्दी ग्रो करना है, इसके बारे में कुछ रेमेडी बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये है कोलगेट का टूथपेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी आप इसमें चौंकिएगा मत, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो कोलगेट का टूथपेस्ट है, इसे तो हमें अपने माउथ में करना होता है, अपने दांतों को साफ करना होता है। पर मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो कोलगेट है, देखिए ये जो वाइट कलर का निकलता है, तो इस कोलगेट में बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपके दांतों को मजबूती देता है और उन्हें वाइट बनाता है। तो सेम हमारे नेल्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है वाइटनिंग की, और वो भी मजबूत रहते हैं तो ही अच्छा लगता है। वो जो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट से नेल्स होते हैं, वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो आपको अपने नेल्स को इसी तरीके से क्लीन कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है। इसी तरीके से आपको अपने नेल्स को भी अच्छे से साफ करना है। इसको आप पेस्ट को अपने हाथों में लगा लीजिए, फिर ब्रश को थोड़ा सा गीला करके, जैसे हम अपने माउथ में ब्रश करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने नेल्स को भी क्लीन कर लेना है। और फिर क्लीनिंग के बाद आप खुद देख पाएंगे कि आपके नेल्स कितने ज़्यादा क्लीन होंगे, कितने ज़्यादा शाइन करने लगे हैं। आपको ये फर्स्ट यूज़ में ही काफ़ी ज़्यादा फर्क समझ में आएगा जब भी आप इसे करेंगे, और ना हो तो आप इसे अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत ट्राई कीजिएगा। आपको अपने नेल्स में काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग समझ में आएगी, जिससे आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, अगर आप उन पर कोई ट्रांसपेरेंसी नेल पेंट लगा लें फिर भी। तो इस तरीके से आपको अंदर बाहर हर तरीके से हर जगह साफ कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके नेल्स के आसपास भी काफ़ी सारी डेड स्किन होती हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। आप नेल पेंट तो लगा लेते हो, लेकिन वो रह जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाथ गंदा लगता है। यहाँ पे देखिए, मैंने अपने हाथों को साफ कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन मेरा हाथ दिख रहा है, आप खुद ही फ़र्क समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे सेकंड चीज़ है मेरे पास लेमन। लेमन का हमें बस इतना सा टुकड़ा चाहिए, क्योंकि इतना ही बहुत होगा हमारे नेल्स को क्लीन करने के लिए। अगर आप ये भी एक बार कर लेंगे तो आपके नेल्स में जो वाइटनिंग है वो बनी रहती है, और आपके नेल्स को ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है। तो इतना ही बहुत है हमारे नाखूनों के लिए, और अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे और काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हो, तो आपके नेल्स में जलन भी होने लगती है। सो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा देर तक इसे रब ना करें अपने हाथों पर, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से लेमन वाटर में अपने नेल्स को थोड़ी देर डिप करके भी उसे क्लीन कर सकते हैं। इससे भी आपके नेल्स बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। ये रेमेडी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना, क्योंकि अगर आप अपने नेल्स को क्लीन नहीं रखेंगे, वो गंदगी से भरे पड़े रहेंगे, तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे और उनको बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। आप देख सकते हो कि दो बार मैंने क्लीनिंग की है, एक बार मंजन से और एक बार ये देखिए मैंने लेमन से क्लीनिंग की है, काफ़ी ज़्यादा हाथों में शाइनिंग आ गई है। आप चाहें तो इसे पूरे हाथों पर भी लगा सकते हैं। फिर ये है मेरे पास देखिए कोकोनट ऑयल, ये प्योर कोकोनट ऑयल है। अगर आपके पास प्योर नहीं है तो आप पैराशूट का कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको लेमन से अपने हाथों की करनी हो, उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल अप्लाई करना मस्ट होता है, क्योंकि देखिए जब हम लगा लेते हैं लेमन तो हमारे हाथों में थोड़ी सी जलन भी होने लगती है, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद हमें उसमें हाथों को मॉइस्चर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे अपने पूरे हथेलियों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ अपने नेल्स पे लगा रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपके नेल्स की जो बगल बगल की स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि आप नेल पेंट लगाते हैं तो आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरीके से आपको अपने हाथों को मॉइस्चराइजिंग दे देनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं उसके बाद मॉइस्चर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास है ये विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो भी आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे बाल और हमारे नेल्स, हमारी पूरी जो स्किन है वो प्रोटीन की बनी होती है, तो उनको विटामिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है बिल्डअप होने में और उनको मजबूत बनाए रखने में। इसलिए मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा ये विटामिन ई का कैप्सूल भी अप्लाई कर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका तो नहीं निभाता है, बट हाँ अपने हाथों को अगर आप थोड़ा सा शाइन देना चाहते हैं, अपने नेल्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हाथों में थोड़ा सा और भी ज़्यादा ऑयलीनेस आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल भी लगा लिया है। इस तरीके से आपको इसे लगा करके छोड़ देना है। ये चीज़ आपको रात में ही ट्राई करनी है, या फिर अगर आप दिन में भी ट्राई करें उसके बाद दो घंटे तक, तो आप पानी को बिल्कुल भी मत टच कीजिएगा। अब देखिए मेरे पास सेकंड चीज़ है, ये देखिए आपको पता होगा अच्छे से, ये गार्लिक है, जिसे इंडियन लोग लहसुन भी बोलते हैं, यानी हम आप इंडियन ही हैं।
तो गार्लिक बहुत 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 ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपके नेल्स को ग्रो करने में और उनको वाइट बनाने में। देखिए नेल्स बहुत ज़्यादा वाइट और ब्यूटीफुल तभी लगते हैं जब आप उनको अच्छी केयर करते हैं। और जो लहसुन होता है, ये जो गार्लिक है, आपको नेल बहुत अच्छा वाइट कर देता है। आपको बस इसे करना क्या, ये देखिए जिस तरीके से मैं इसके अंदर अपने एक एक नेल्स को अंदर अंदर आप देख पा रहे होंगे कि अंदर पूरा घुसा दे रही हूँ। आपको हाफ गार्लिक लेनी है, इसी तरीके से अपने सारे नेल्स को उसके अंदर इस तरीके से जैसे आप नाखून नहीं किसी को नोचते उसी तरीके से आपको अपने नेल्स को उसके अंदर डिप करना है। ऐसे एकदम नेल्स में आपको इसे एकदम से घुसा देना है, जिससे क्या होगा कि आपके नेल्स के अंदर तक इसका जो भी इसके अंदर का जूस है या इसके जो भी एक्सट्रैक्ट हैं वो आपके नेल्स के अंदर चले जाएंगे, तो आपके नेल्स को ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको पता ही है कि ये बहुत पुराने ज़माने से यूज़ हो रहा है, लोग अपने नेल्स को वाइट रखने के लिए और अपने नेल को टाइट रखने के लिए, उन्हें जल्दी ग्रो करने के लिए गार्लिक का यूज़ करते ही हैं। अगर आप चाहें तो इसे कस करके इसका जूस भी निकाल सकते हैं, बट मेरे को ये मेथड बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, तो आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं और आपका उसका जूस निकाल कर भी उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो कोई इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि आपका मार्केट से ख़रीदा हुआ आयुर का टोनर है। जी हाँ, टोनर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी चीज़ को क्लीन करने में। अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो आप इसे अपना फेस क्लीन करते हैं तो कितनी सारी गंदगी बाहर निकल के आती है। उसी तरीके से अगर आप अपने नेल्स को क्लीन करना चाहें, उन्हें क्लीन करके जर्म फ्री बनाना चाहें, तो आप टोनर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी डेड स्किन सेल्स भी हट जाएंगी, आपके नेल्स क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल जर्म फ्री हो जाएंगे। उसके अंदर कोई भी जर्म नहीं रह जाएगा, कोई भी कीटाणु आपके नेल्स के अंदर नहीं रह जाएंगे। इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लीनिंग के कई सारे ऑप्शन रख दिए हैं फ्रेंड्स, आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन से क्लीन करिए, अगर आपके पास कोलगेट है आप कोलगेट से क्लीन कर लीजिए, अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर से भी क्लीन कर सकते हैं। बाकी गार्लिक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके नेल्स को वाइट बनाने में, उन्हें टाइट बनाने में और उन्हें जल्दी ग्रो करने में। तो आपको जो ठीक लगे उसमें से आप कोई भी एक रेमेडी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आपको आपके नेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। और ये देखिए मैं आपको 3 दिन के बाद का अपडेट दिखा रही हूँ, उसके 3 दिन के बाद मेरे नेल्स की ग्रोथ इतनी हुई है। आपको इसे मैं थोड़ा सा क्लीन, ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा कि मेरे नेल्स तभी कितने छोटे थे, उसके 3 डेज बाद का ये लुक है। और ये है टोटल 5 डेज़ का अपडेट, आप देख पा रहे होंगे कि 5 डे में मेरे नेल्स की इतनी ग्रोथ हुई है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली, बहुत ही ज़्यादा क्लीन। आप देख पा रहे होंगे कि वाइट है नेल्स और ऊपर के आप देख रहे होंगे जो कि हमारे मांसपेशियों से अटैच होते हैं वो पूरे पिंक पिंक टाइप के हैं। और आपको मैं सामने से भी दिखा देती हूँ कि नेल्स की इतनी ग्रोथ हुई है। फिर यही मेथड आपको हमेशा ट्राई करते रहना, आप देख पाएंगे कि आपके नेल्स की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और नेल्स वाइट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लुक में ग्रो होंगे। एंड फाइनली दोस्तों, ये है मेरे 10 डेज़ की अपडेट। जब से मैंने अपने नेल्स को कट किया था मैं उनकी केयर कर रही थी और आप देख पा रहे होंगे कि 10 डेज़ में मेरे नेल्स की ग्रोथ इतनी हो चुकी है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है, कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड करनी होती है, मैं अपने नेल्स की बस इसी तरीके से केयर करना स्टार्ट कर देती हूँ और मेरे नेल्स काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो होने लग जाते हैं। दोस्तों अभी मुझे मेरी फ्रेंड के एंगेजमेंट में जाना था तो ये चीज़ मैंने ट्राई किया और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपको भी बताऊँ। एंड एक चीज़ और है दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि नेल्स ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, लचीले टाइप के हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे नेल्स कुछ इसी टाइप के हैं, आई डोंट नो आपके कैसे हैं बट मेरे नेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं इसको हटाने के लिए गार्लिक लगाती हूँ और ये इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि ऐसी अपडेट आपको डेली मिलती रहे। सो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।